द चैप्टर कैन यू सी द पैटर्न। अब हम करेंगे नंबर पैटर्न। तो नंबर पैटर्न को देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे सेट करना होता है नंबर्स को। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स लिखे हैं 24, 19, 37 और यहाँ लिखा है इक्वल और उसके बाद अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है 37, 24, 19। तो आप ये देख रहे हैं कि सेम नंबर्स लिखे हैं इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे। ये वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वल के जो लेफ्ट में है, हमारे लेफ्ट साइड में होता है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और जो इक्वल के राइट साइड में होता है यानी कि हमारे हैंड के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम नंबर्स होंगे तो वो इक्वल होंगे, इसीलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो इक्वल होने के लिए इट मीन्स हमारे पास दोनों साइड में सेम नंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारा देख रहे हैं नंबर 24 है, राइट हैंड साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में 19 है, यहाँ भी 19 है, उसके बाद 37 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 37 है। इट मीन्स अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा, दैट इज बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। नाउ यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि हमें दोनों तरफ इक्वल नंबर्स लेने हैं, तो यहाँ हमें ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन या जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस दिए हुए हैं, प्लस का साइन दिया हुआ है तो हम वो नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ एज इट इज़ नंबर्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में रखने हैं, जो राइट हैंड साइड में हो वो लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं, बस इतना ही काम करना है नंबर पैटर्न। तो यहाँ पे आप आगे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल दिया हुआ है 215। आप देख रहे हैं कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 215 दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में भी 215 दिया हुआ है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में 120 दिया है और यहाँ पर भी 120 दिया हुआ है, अगेन यहाँ 600 है और 600 राइट हैंड साइड में भी है। तो दोनों ही साइड में सेम नंबर्स हैं, इट मीन्स बोथ द साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल है? यस, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम नंबर्स हैं। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से इनको सॉल्व कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेसेस इन द सेम वे, नाउ यूजिंग द सेम रूल, यहाँ पे जो नंबर पैटर्न का रूल यूज किया है उसी को हम यूज करते हुए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 है, यहाँ आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी ब्लैंक स्पेस है, इट मीन्स यू हैव टू फिल द नंबर्स हियर। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड को देखते हुए नंबर्स को फिल करना है। तो यहाँ पे आपके 14 है, ओके, अब आपको यहाँ दिख रहा है 14 नंबर है, तो इट मीन्स 14 तो यहाँ है तो हमें 14 तो नहीं लेना। अब राइट हैंड साइड में एक बार और देख लेते हैं, 34 है, 34 यहाँ नहीं है तो हम एक नंबर 34 को ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि एक और नंबर दिया है राइट हैंड साइड में 20, तो यहाँ पर भी हमारा 20 नहीं है तो हम 20 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं क्या वो राइट साइड में हैं? तो यस, 14, 34 एंड 20, यहाँ पर भी 14, 34 एंड 20 बोथ द साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही हम बी पार्ट में भी देखेंगे। बी पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है दो ब्लैंक स्पेसेस हैं और एक फिल किया हुआ है, फिल जो है वो 42 है। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ 65 है और 80 है और एक स्पेस ब्लैंक है, तो हम 65 और 80 जो राइट हैंड साइड में है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में फिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी दो ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो 65 एंड 80 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमारा एक ब्लैंक स्पेस है तो हम यहाँ पे 42 लिख सकते हैं जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में नहीं था। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे दोनों साइड में सेम नंबर्स हैं कि नहीं। 65, 42 एंड 80, सो बोथ द साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही यहाँ पे 200 देन 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक स्पेस है, यहाँ पे आपके दो स्पेस हैं राइट हैंड साइड में, तो दो स्पेस हैं इट मीन्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो दो नंबर हैं जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे उनको हम
फिल कर सकते हैं 200, उसके बाद 300 दोनों स्पेसेस में, और यहाँ पे एक नंबर जो 400 था वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे 400 लिख लेंगे। किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं टेक अ नंबर से, यानी कि एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 43 मींस 43। ओके, नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट मींस इसे उल्टा कर देते हैं। 43 है तो हम क्या कर देते हैं, 3 और 4। देन एड देम टूगेदर, दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड कर देते हैं, 7, 4+3, 7, ये हो गया हमारा 77। अब हम इस नंबर को जब रीड कर रहे हैं तो आगे से भी 77 है और पीछे से भी 77 है, दोनों तरह से हम जब पढ़ते हैं तो ये 77 आता है। 77 इज वन सच स्पेशल नंबर, देयर आर मेनी सच नंबर्स, यू हैव रिवर्स द नंबर बाय राइटिंग इट बैक टू फ्रंट। हम सेम नंबर को लिख सकते हैं, चाहे हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ्ट पढ़ें। ऐसे ही हम और नंबर्स निकालते हैं, सपोज टेक अनदर नंबर दैट इज 48, नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट, हम वापस से इसको उल्टा कर देते हैं, 84, चलिए इसको प्लस कर देते हैं। रूल आपको वही फॉलो करना है, पहले आप जो नंबर लिखा है उसको आप उल्टा कर देंगे, जो वंस प्लेस पे है उसे टेंस प्लेस पे और जो टेंस प्लेस पे है उसे वंस प्लेस पे, और उसके बाद उनको ऐड कर देना है। तो 8+4 हो गया आपका 12, ओके, और 12 और 13, 1, 3, 2, ये नंबर आपके पास आ गए। तो क्या ये हमें एक स्पेशल नंबर लग रहा है? नहीं, 1, 3, 2 अगर हम राइट से पढ़ रहे हैं तो 2, 3, 1 हो रहा है, तो बिल्कुल ये सेम नहीं है, तो इसको हम और ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। 1, 3, 2 को लिखेंगे 2, 3, 1, यानी इसका रिवर्स कर दिया हमने,
और इसको अगेन ऐड कर दिए। जब तक कि स्पेशल नंबर नहीं बने तब तक हमें ये रूल फॉलो करना है, आपको उल्टा करना है नंबर और उसके बाद ऐड करते जाना। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 3, 6 and 3। अब क्या ये नंबर हमारा रिवर्स करने से बिल्कुल सेम आएगा? 3, 6, 3, यस। और राइट से कर रहे हैं तो भी 3, 6, 3, इट मीन्स ये सेम हो गया है बिल्कुल लेफ्ट टू राइट, सेम टू सेम। तो दिस इज ए स्पेशल नंबर। नाउ यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 28, 132 and 273। इनको सॉल्व करके भी एक बार देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए पार्ट को देख लेते हैं, नंबर 28। अब 28 को हम रिवर्स करके लिख के देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा है 28, ठीक है। अब 28 को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे 82। उसके बाद हम 82 को प्लस कर देंगे 8, 9, 10, 0, 1 कैरी ओवर और 8, 9, 10, 11। सो दिस इज 110। अब क्या हम रीड कर रहे हैं तो ठीक आ रहा है, 110 आ रहा है और 011 नहीं, ठीक नहीं है। तो हम दोबारा से इसको लिखते हैं, रिवर्स कर लेते हैं 011, फिर दोबारा से ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 121। ये एक स्पेशल नंबर है, 121 and 121। इस बोथ साइड से हम एक जैसा रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट जो है उसमें भी आप देख सकते हैं, 132 नंबर है हमारे पास। 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 231 ऐड कर देंगे। ऐड करने से आ जाएगा आपका 363। ये देखिए स्पेशल नंबर बन गया है 363, ठीक है। तो इसको भी हम दोनों साइड से सेम रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक और नंबर दिया हुआ है 273, इसको लिखिए 372, प्लस करिए 5, 4, 1, 5, 6, 6, 4, 5। क्या ये हम रीड कर रहे हैं लेफ्ट और राइट तो बिल्कुल सेम आ रहा है? नहीं। अगेन रिवर्स करिए 5, 4, 6, ऐड करिए 5 plus 6, 11, 1 कैरी ओवर 8 और 9, देन 6 plus 5 that is 11, 1, 1, 9, 1। क्या इसको रीड करने से सेम आएगा लेफ्ट टू राइट? नहीं। वापस से हम करेंगे 1, 9, 1, 1, ऐड करिए 2, 9 plus 1, 10, 0, 1 कैरी ओवर 9, 10, 11, 1, 1 कैरी ओवर 1, 2, 3, 3, 1, 0, 2। क्या ये नंबर स्पेशल नंबर हो सकता है? नहीं। दोबारा से करेंगे रिवर्स 2, 0, 1, 3, देन ऐड 2 plus 3, 5, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 3 plus 2, 5, 5, 1, 1, 5 and from the right side 5, 1, 1, 5, so this is a special number। अब यहाँ आप देख रहे हो, ये तो हम नंबर जो स्पेशल थे जिनको लेफ्ट टू राइट सेम टू सेम रीड कर सकते थे, ऐसे हमारे कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिनको हम स्पेशली ऐसे लिख सकते हैं कि वो दोनों तरह से लेफ्ट और राइट से सेम रीड कर सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए दो एग्जांपल्स हैं, NO, नो, लेमन्स, नो, मेलन। जब हम राइट से रीड कर रहे हैं तब भी ऐसे ही है, नो, लेमन्स, नो, मेलन्स, आपके वही सेम लेटर्स आ रहे हैं लेफ्ट से भी और राइट से भी। यहाँ पर देखेंगे स्टेप नॉट ऑन पेट्स, जब आप राइट से रीड कर रहे हैं तब भी यही आएगा, स्टेप नॉट ऑन पेट्स, सेम ही आ रहा है। यानी लेफ्ट और राइट से जब आप रीड कर रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहा है। सो दे आर स्पेशल नंबर्स एंड दे आर स्पेशल वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।